नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 84 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों में फैली दहशत। लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। मटर गश्ती करने वालों की पुलिस ने जमकर लगाई क्लैश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में नहीं हुई सामूहिक नमाज। उलेमाओं ने घर पर इबादत करने की अपील। बरारी में शवदाह गृह बनकर हुआ तैयार। अंत्येष्टि के लिए लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। और बांका में अपराधियों के हौसले बुलंद। गाड़ी की डिक्की तोड़कर उड़ाए रुपए। अब समाचार विस्तार से। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के आंकड़े शहरवासियों के लिए खतरे का संकेत हैं। पिछले 3 दिनों में भागलपुर जिले में लगभग 200 कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही शुक्रवार को कोरोना वायरस विस्फोट हुआ। बता दें कि ताजा रिपोर्ट के अनुसार 84 नए कोरोना संदिग्धों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ चढ़कर 900 के करीब पहुंच गया। वहीं बुधवार को कोरोना से 3 मरीजों की मौत होने के बाद जिले में इस भयानक महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 10 हो गई। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जा रहा है, ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के दूसरे दिन सिटी DSP राजवंश सिंह के नेतृत्व में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान DSP राजवंश सिंह ने कई थानों की पुलिस के साथ पूरे शहर का घूम घूम कर जायजा लिया। भयानक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन का पूर्णता पालन हो, इसको लेकर पूरे शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। सिटी DSP राजवंश सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों को मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी। लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई कोताही न हो, इसको लेकर DSP ने लोहिया पुल, कचहरी चौक, तिलकामांझी चौक, स्टेशन चौक, मनाली चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर शहरवासियों से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। वहीं सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों की पुलिस ने जमकर क्लास लगाई। सिटी DSP ने बताया कि शहर में लॉकडाउन का पूर्णता पालन हो, इसको लेकर सभी चौक चौराहों पर पुलिस अधिकारी की तैनाती की गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन न कर सके। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवा जैसे किराना, दूध, मेडिकल, ई कॉमर्स एवं सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। हम आपको बता दें कि जिला अधिकारी प्रणब कुमार ने शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 16 जुलाई तक भागलपुर सहित कहलगांव एवं नौगछिया के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन लागू करने की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। सुबह तक लॉकडाउन का उसी के अनुपालन के लिए मेरे नेतृत्व में वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार ये फ्लैग मार्च निकला है। हम लोग सारे शहरी क्षेत्र में घूमकर ये सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के शर्तों का पालन हो। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो है पुलिस बलों के साथ जो है सिटी DSP राजवंश सिंह भी साथ में है, और किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है। कोतवाली चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया है और ये पूरे शहर में जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस बलों की तैनाती की गई है, साथ ही काफ़ी पुलिस बलों के साथ जो है दंडाधिकारी की भी तैनाती की गई है। हम आपको बता दें कि सूबे में कोरोना का जो है संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और खासकर भागलपुर शहर में जो है कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, जिसको लेकर जो है जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने जो है 9 जुलाई से 16 जुलाई तक शहर में लॉकडाउन का फैसला लिया है। इसके साथ भागलपुर, नवगछिया और सुल्तानगंज, कहलगांव क्षेत्र, शहरी क्षेत्र को लॉकडाउन किया है। फ्लैग मार्च को निकालकर लोगों को खासकर के जो वाहन है दोपहिया और चरपहिया वाहन है वैसे वाहन चालकों से पूछताछ कर रही है और काफ़ी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और इसका जो है नेतृत्व सिटी DSP राजवंश सिंह खुद कर रहे हैं। आप भी अपने घरों से बेवजह ना निकलें और जिला प्रशासन, भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सहयोग करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की अपनी सहयोग दें। यह सहयोग आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके समाज के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। विकास कुमार सिंह, सुमित राज के साथ, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमितों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है।
इसी को लेकर एहतियातन शुक्रवार को मस्जिदों में जुमे की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की गई। भिकनपुर जामा मस्जिद के इमाम कारी नशीम अशरफी ने कहा कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों ने अपने घरों में जोहर की नमाज अदा की। कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण मस्जिद में जुमे की नमाज सामूहिक रूप से अदा करने पर रोक लगी रही। भागलपुर बरारी शमशान घाट स्थित शवदाह गृह बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल खत्म होने के बाद शवदाह गृह का संचालन शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर 4 निगम कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसको देखते हुए बुटको ने निगम को पत्र भेज दिया है। बता दें कि चारों कर्मियों को बुटको के द्वारा कोलकाता से आई टीम प्रशिक्षण देगी। उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि निगम 2 से 3 दिनों में शवदाह गृह में अंतिम संस्कार के लिए लगने वाले शुल्क का निर्धारण कर उसे बोर्ड से पारित करा लेगी। उपनगर आयुक्त ने बताया कि अंतिम संस्कार के लिए लगने वाले शुल्क को लेकर दानापुर और पटना से जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद जल्द ही शवदाह गृह का संचालन शुरू हो जाएगा। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद आपराधिक घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा है। शुक्रवार को बांका जिले के अमरपुर में मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर दिनदहाड़े 1.5 लाख रुपए नगद लूटने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर महादेवपुर निवासी दीनबंधु ने बताया कि वह अपने भाई जयंत कुमार के साथ अमरपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से पैसे की निकासी कर कुछ आवश्यक कार्य के लिए बाजार गया, जहां बाइक खड़ी कर वो खरीदारी करने लगा। कुछ देर बाद जब अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा तो गाड़ी का डिक्की टूटा पाया। डिक्की में रखे नगद पैसे समेत पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक आदि कागजात गायब थे। मामले को लेकर जयंत कुमार ने अमरपुर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि दिए गए आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है? जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के बाद नगर निगम प्रशासन को होने वाले नुकसान की भनक लग गई है। प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही विस्फोट इस बात की पुष्टि करती है कि कोरोना से जारी जंग में नगर निगम द्वारा खूब लापरवाही बरती गई है। हालांकि कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा 900 के करीब पहुंचने के बाद नगर निगम प्रशासन नींद से जागा और शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। नगर निगम द्वारा जेटरी मशीन और अग्निशमन विभाग की गाड़ियों की मदद से विभिन्न स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। बता दें कि बारिश शुरू होते ही डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से लगातार बना हुआ है। इसके बावजूद शहर में ना तो सैनिटाइजेशन कराई जा रही थी और न ही फॉगिंग। वहीं अब जाकर निगम प्रशासन की नींद खुली और उपनगर आयुक्त सत्येन प्रसाद वर्मा की देखरेख में पूरे शहर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 900 के आंकड़े को पार कर रही है। मायागंज के आईसीयू में बुधवार को 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। साथ ही गोराडी प्रखंड में एक मृत व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद मृतक के परिजनों को संक्रमण का खतरा सताने लगा। बता दें कि 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु के बाद इस भयानक महामारी से मरने वालों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। तीनों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृतकों के परिजनों का सैंपल लिया गया, साथ ही मृतक किसके संपर्क में आए इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण जिला प्रशासन को एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिससे नगर क्षेत्र में मुख्य बाजार के साथ साथ गली गली में एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया। शहर में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन के बावजूद लोगों की चहलकदमी देखी गई। वहीं एमपी द्विवेदी रोड दवा पट्टी में लॉकडाउन के कारण दवा खरीदने पहुंचे ग्राहकों की संख्या काफी कम थी। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण ग्राहकों की संख्या में अचानक गिरावट आई है, जिससे साफ होता है कि लोगों में कोरोना वायरस का भय है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न जगहों एवं चौक चौराहों पर मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट की चेकिंग कर लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई और फाइन भी वसूला गया। शहर के सूजागंज, खलीपाबाग चौक, मड़वाली टोला, पटेल बाबू रोड समेत विभिन्न मोहल्ले में समय अवधि का कोई ख्याल नहीं रखते हुए किराना दुकान व जनरल स्टोर खुले रहे। लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर लोगों का अनावश्यक आना जाना लगा रहा और मनचले मटर गश्ती करने निकलते रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज बाबा अजगैबीनाथ मंदिर और गंगा घाट पर हो रहे नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्माण कार्य में काफी सुस्ती देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी को लेकर कार्य की गति धीमी हो गई है। इंजीनियर कुंदन कुमार राज ने बताया कि लॉकडाउन से पहले 250 मजदूर काम कर रहे थे। इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से डरकर सभी बाहरी मजदूर घर चले गए हैं। इंजीनियर ने बताया कि निर्माण कार्य में 125 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी सीढ़ी नुमा घाट, 3 चेंजिंग रूम और 3 प्लेटफॉर्म सीढ़ियां बनाई जानी है, जिसका कार्य नवम्बर 2019 में ही शुरू हो गया था और कोरोना वायरस की वजह से निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब हो रही है। कुंदन कुमार राज, यहाँ क्या तेजी है कार्य में? तो ये कैसा आकार का बनने वाला है? ये जिस तरह के वाराणसी बना है ना, अच्छा, यहाँ भी कितने लेबर काम कर रहे हैं? भागलपुर सनोखर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार की विदाई समारोह का आयोजन शुक्रवार को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं द्वारा किया गया। विदाई समारोह में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ कई गणमान्य लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शरीक हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि निवर्तमान थाना प्रभारी रंजीत कुमार अत्यंत मृदुभाषी, शांत एवं मिलनसार प्रवृत्ति के हैं।
इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल में थाना अध्यक्ष द्वारा की गई कार्य की सराहना की। अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना करते हुए स्थानीय लोगों ने रंजीत कुमार को विदा किया एवं नए थाना प्रभारी मनीष कुमार का बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान तेलौंदा पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह, गौरी शंकर सिंह, जनार्दन यादव, विवेक सिंह, बमबम शाह, जयकांत चौधरी सहित क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि एवं युवा मौजूद थे। भागलपुर सनहौला प्रखंड के निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार को शुक्रवार को अंचल कर्मी एवं जनप्रतिनिधियों ने विदाई दी। विदाई समारोह का आयोजन प्रखंड परिसर स्थित शिल्प प्रशिक्षण भवन में किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने फूलों का माला पहनाकर एवं बुके देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सम्मानित किया। साथ ही मौजूद लोगों ने अरविंद कुमार द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनय शंकर सिंह, ताड़ल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, स्वच्छता मिशन के प्रखंड कोऑर्डिनेटर नीरज कुमार समेत कई गणमान्य लोग एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 84 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों में फैली दहशत। लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, मटर गश्ती करने वालों की पुलिस ने जमकर लगाई क्लैश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में नहीं हुई सामूहिक नमाज, उलेमाओं ने घर पर इबादत करने की अपील। बरारी में शवदाह गृह बनकर हुआ तैयार, अंत्येष्टि के लिए लोगों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार। और बांका में अपराधियों के हौसले बुलंद, गाड़ी की डिक्की तोड़कर उड़ाए रुपए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।